हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन सुथार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट काउंटिंग RSNR में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी भी इंडस्ट्रीज में जहाँ पे प्रोडक्शन का काम किया जाता है और वहाँ की उस इंडस्ट्रीज की या उस फैक्ट्री की अकाउंटिंग टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिकल रूप से कैसे मेंटेन की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ आज आपको मैं लाइव वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा और आज की इस वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप किए बगैर लास्ट तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको टैली और अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कंप्लीट कोर्स प्रैक्टिकल के साथ करवाएंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डेस्कटॉप का प्रोडक्शन करना सीखेंगे और जो डेस्कटॉप में लगने वाला जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसका परचेज इनवॉइस हमारे सामने है। तो इस परचेज इनवॉइस के हम टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री कैसे करेंगे, ये आज आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा। और ये हमारा रॉ मटेरियल है जो हमारे डेस्कटॉप में लगेगा। इसमें हमारी हार्ड डिस्क है, DDR रैम है, इसके अंदर जो i3 का प्रोसेसर है, LG DVD राइटर है, पावर सप्लाई या कैबिनेट बॉक्स है, जो भी हमारा फिनिश गुड में रॉ मटेरियल लगता है। तो फ्रेंड्स, टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में फिनिश गुड्स की यानी कि जहाँ पे भी प्रोडक्शन का काम किया जाता है वो सभी का जो सिस्टम रहता है एंट्री करने का वो इक्वली रहता है, जो आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन जो डिफरेंस रहता है वो केवल रॉ मटेरियल का और डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी, आपकी जो कंपनी है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है। मान लीजिए आपकी कंपनी मोबाइल का प्रोडक्शन करती है तो जो मोबाइल में लगने वाला जो रॉ मटेरियल होता है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। अगर आपकी कंपनी जो फर्नीचर का फिनिश गुड्स तैयार करती है तो जो फर्नीचर में लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारी टेली ERP9 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे और वहाँ पे हम नई कंपनी क्रिएट करके और वहाँ पे इसका प्रोडक्शन कैसे किया जाएगा डेस्कटॉप PC का वो हम सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट हमें करनी होगी, तो कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी का नाम मैं दे देता हूँ स्मार्ट कंप्यूटर्स, और इसका एड्रेस है जो मैं रायसेनगर डालूंगा, कंट्री मेरी इंडिया रहेगी, स्टेट मेरा राजस्थान रहेगा और यहाँ का मेरा पोस्टल कोड, और जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है वो 1/4/2020 से स्टार्ट होने वाला है और मैं अभी भी इसको जो सिक्योरिटी कंट्रोल है इसको मैं स्किप करूँगा। तो फ्रेंड्स, टेली ERP9 में कंपनी क्रिएट करने का जो प्रोसेस है प्रैक्टिकल तरीके से, इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देख लें। तो मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से ये मेरी स्मार्ट कंप्यूटर्स की कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें कोई भी इनवॉइस की एंट्री करने से पहले जो हमारे मेन जो फीचर होते हैं टेली के अंदर, जैसे GST को इनेबल करना, हमारे वाउचर्स मोड है उसको मैनुअल रूप में करना, वो हम पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम GST को इनेबल करेंगे। तो इसके लिए मैं प्रेस करेंगे F11, और F11 करने के बाद इस कंपनी फीचर में हमारे ऑप्शन हमको शो होएगा ट्रेजरी एंड टैक्सेशन का, इस पर एंटर प्रेस करेंगे और फर्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई देगा GST का, जो बाय डिफ़ॉल्ट हम टेली में कंपनी क्रिएट करते हैं तो उस वक्त ये नो रहता है। तो मैं इसको यस करूँगा और सेट GST डिटेल को भी मैं यस करूँगा। तो इसमें स्टेट मेरा राजस्थान रहेगा और रजिस्ट्रेशन टाइप में मैं इसको सिलेक्ट करूँगा रेगुलर। तो फ्रेंड्स, हमें पे दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, कंपोजिशन और रेगुलर का। अब ये कंपोजिशन डीलर क्या होते हैं या रेगुलर डीलर क्या होते हैं, इस पे भी मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। तो मैं यहाँ से रेगुलर सेलेक्ट करूँगा और इंटरनेट एक्सेप्ट करके इसको मैं सेव करूँगा और इसको भी मैं एक्सेप्ट करके सेव करूँगा। तो इस तरीके से ये मेरा GST का जो फीचर है वो इनेबल हो चुका है। अब मेरे को परचेज इनवॉइस का जो वाउचर मोड होता है उसको ऑटोमेटिक हटा के मेरे को मैनुअल करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं गेटवे टेली के अकाउंट इन्फो में इंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद वाउचर टाइप पर और उसके बाद अल्ट्रा पर, और इसमें से मैं सिलेक्ट करूँगा परचेज वाउचर को, और यहाँ पर जो ऑप्शन हमें शो हो रहा है मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग का, तो ये बाई डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक रहता है तो मैं इसको ऑटोमेटिक हटा के यहाँ से इसको मैं मैनुअल करूँगा। मैं तो यहाँ से इसको मैं मैनुअल और एंटर करके इसको एक्सेप्ट करूँगा। इसी तरीके से मैं एक मेरा सेल्स वाउचर को भी मैं मैनुअल करूँगा और एंटर इसको करके इसको भी मैं एक्सेप्ट यानी कि सेव करूँगा मैं। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल जो फंक्शन हमें इनेबल करने थे हमने इनेबल कर लिए। अब हमारे सामने जो परचेज वाउचर था
यानी कि जिसमें हमने रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है उसका इनवॉइस हम टैली में एंट्री करना सीखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली के ट्रांजेक्शन मेन्यू के अकाउंटिंग वाउचर पे हम एंटर प्रेस करेंगे और ये हमें परचेज वाउचर के लिए यहाँ पे हमारी जो शॉर्टकट कमांड है F9, या हम यहाँ से इस पर क्लिक करके भी हम F9 पे क्लिक कर सकते हैं, यानी कि परचेज वाउचर पे आ जाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर इनवॉइस नंबर, जो हमारा इनवॉइस नंबर था 52147, तो वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। और जो डेट थी हमारी वो 1 जुलाई थी, तो डेट चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे 1 जुलाई को। और सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी हम 52147 ही पोस्ट करेंगे। और यहाँ पर मैं पार्टी का नाम डालेंगे जिसे मैंने गुड्स परचेज किया है, जो हमारी पार्टी थी यानी कि हमारे जो सप्लायर्स है वो है विजय ट्रेडिंग कंपनी। तो यहाँ से मैं शॉर्टकट लेजर बनाने के लिए सबसे पहले Alt+C प्रेस करूँगा, विजय ट्रेडिंग कंपनी। तो ये हमारा सप्लायर्स है, तो इसको मैं अंडर में रखूँगा सेंट्री क्रेडिटर्स में, और इसको मैं एंटर एंटर एक्सेप्ट करते हुए इसको मैं सेव करूँगा। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको GST नंबर वगैरह सब कुछ इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि हमें केवल मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री ही सीखनी है। और यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, यानी कि जो हमारा रॉ मटेरियल था इस इनवॉइस में, ये इस आइटमों के हम स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक आइटम को शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए Alt+C। तो जो पहली आइटम थी हमारे पास Seagate हार्ड डिस्क 1 TB, तो अब अंडर में हम क्या देंगे, ये हमारा कंप्यूटर का रॉ मटेरियल है, तो हम इसका एक ग्रुप क्रिएट करेंगे यहाँ पे Alt+C से, कंप्यूटर रॉ मटेरियल, और इसको अंडर में प्रेस करके इसको GST में प्रेस करूँगा। अब यूनिट हमारी ये PCS में लगती है, तो इस यूनिट हम Alt+C से भी क्रिएट करेंगे PCS, और UKC में हम PCS को ही सिलेक्ट करेंगे। और नंबर ऑफ डेसिमल हम पीस के अंदर 0 ही रखते हैं, तो इसको मैं 0 ही रखूँगा। और इसको अल्टरनेट यूनिट हमारी कुछ भी नहीं है, और GST डिटेल मेरे को यस करनी पड़ेगी, तो GST पे जाऊँगा, सेट डिटेल यस, और यहाँ पर रॉ मटेरियल डिस्क्रिप्शन दूंगा, और यहाँ पर इसका HSN कोड 8471, और टैक्स एलोटिंग ये हमारी टैक्सेबल आइटम है, तो इसको मैं टैक्सेबल रखूँगा। और IGST इसका जो टैक्सेबल का जो फुल रेट है, यानी कि 18% का ये प्रोडक्ट है, तो 18% में इसको रख के मैं और एंटर एंटर प्रेस करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। और यहाँ पर जो हमारी क्वांटिटी थी वो थी 8 पीस की, और एक का जो टैक्सेबल रेट था हमारा 3850 रुपये। अब एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ एक लेज़र हमें पूछेगा भी ये कौन से परचेज लेज़र में एंट्री जाएगी, तो ये हमें पता है हमारे कंप्यूटर का 18% GST का रॉ मटेरियल परचेज है, तो हम यहाँ पे एक Alt+C से एक लेज़र क्रिएट करूँगा, कंप्यूटर रॉ मटेरियल GST 18% परचेज। तो फ्रेंड्स हमें एक चीज़ ध्यान रखना, हमें जो लेज़र का नाम होता है वो पूरा देना चाहिए, और अंडर में इसको रखूँगा मैं परचेज काउंट, तो परचेज काउंट रखूँगा, तो इसको मैं टाइप ऑफ लेज़र में इसको नॉट एप्लीकेबल रखूँगा, और इस GST केबल एप्लीकेबल रहेगा बिल्कुल। तो ये हमारी लोकल की परचेज है, तो इसको मेरे को GST की डिटेल यस करने की ज़रूरत नहीं है। और टाइप ऑफ सप्लाई में इसको मैं गुड सेलेक्ट करूँगा। तो इसी तरीके से सेकेंड आइटम हमारे पास HP की रैम रहेगी DDR3 और 4 GB, ये हमारा कंप्यूटर का रॉ मटेरियल है, ये भी हमारा PCS में रहेगा GSTS, ये भी रॉ मटेरियल 8471, इसको मैं टैक्सेबल करूँगा, और GST इसकी 18%, और इसको एंटर एंटर एक्सेप्ट करके मैं सेव करूँगा। और इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारे साथ 12 पीसेस है, ये क्वांटिटी इसकी 12 पीस है, इसको मैं क्वांटिटी में 12 पीस रखा है। और इसका एक का जो वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू वो 1150 रुपये का है। और ये हमारा कंप्यूटर का रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल में रखेंगे हम। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास अगर अलग टाइप का, जैसे ये तो 18% का था, अगर कोई प्रोडक्ट 12% का भी हो सकता है, तो हमें एक अलग से लेजर क्रिएट करना पड़ेगा भी कंप्यूटर रॉ मटेरियल GST 12% परचेज का। लेकिन अब हमारे सामने जो टोटल जो भी हमारा रॉ मटेरियल है वो टोटल 18% का ही है, तो हमें अलग से लेजर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो थर्ड आइटम थी हमारे सामने इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, ये हमारा रॉ मटेरियल है, PCS में रहेगा, एप्लीकेबल रहेगा यस, ये भी हमारा रॉ मटेरियल रहेगा, इसके डिस्क्रिप्शन में
इसका HSN कोड टैक्सेबल रहेगा और इसका IGST वो 18% रहेगा। तो एंटर इंटरसेप्ट करके मैं इसको सेव करूँगा और इसकी जो क्वांटिटी हमने 14 पीस परचेज करी है और एक का रेट है जो 3260 रुपये है। फोर्थ आइटम गीगाबाइट मदरबोर्ड था हमारे साथ जी, ये रॉ मटेरियल है, ये भी हमारा पीसीस में रहेगा, GST को यस करेंगे, रॉ मटेरियल रहेगा, डिस्क्रिप्शन हमारा और जो टैक्स लाइबिलिटी जब वो हमारी टैक्सेबल रहेगी, ये भी 18% टैक्स रहेगा। तो ये इसकी जो क्वांटिटी है वो 11 पीसेस हैं, 3190 इसका एक का टैक्सेबल रेट है, ये हमारा GST 18% रॉ मटेरियल परचेज में जाएगा। और जो फिफ्थ आइटम हमारी है LG DVD राइटर। फ्रेंड्स तो ये हमारे वही प्रोडक्ट्स हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं जो हमारे डेस्कटॉप पीसी के अंदर यूज होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा, प्रोफेशनल तरीके से भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में किस तरीके से इनकी एंट्री की जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे शेयर जरूर कर देना और वीडियो कैसा लगा आप हमें ये कमेंट करके भी जरूर बताना। टैक्सेबल रहेगा हमारा 18% का रहेगा और इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा और इसकी जो क्वांटिटी है वो 15 पीसेस है और 955 रुपये इसका टैक्सेबल रेट है। तो इसी तरीके से ये हमारी 6th आइटम पावर सप्लाई है, फ्रेंड्स ये प्रोफेशनल तरीके से स्टॉक आइटम कैसे क्रिएट होती है या इसके लेज़र कैसे क्रिएट होते हैं इस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं। अगर आपको ऐसे नहीं पता भी स्टॉक आइटम बनाने का सही तरीका क्या है तो आप वो वीडियो हमारा एक बार जरूर देखें, इस चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा वो। रॉ मटेरियल रहेगा, इसका HSN कोड हम डालेंगे, टैक्सेबल रहेगा, 18% हम इसको एंट्री में करेंगे और इसको एक्सेप्ट करूंगा मैं। और इसकी जो क्वांटिटी है वो हमारी 20 पीसेस है और एक का जो रेट है वो 1940 रुपये है। और जो लास्ट आइटम हमारे साम कैबिनेट, तो परचेज एंट्री का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे आपकी किसी भी टाइप की प्रोडक्शन की एंट्री आप चेक कर रहे हो, चाहे आपका पास मोबाइल गुड्स का अगर कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे आप किसी अदर आप कोई भी गुड्स अगर आपके प्रोडक्शन का काम है तो सेम एंट्री वो रहने वाली है इसमें भी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी ये जो टोटल आइटम है वो कंप्लीट हो चुकी है 990 रुपये, तो ये 16830 का रहेगा रॉ मटेरियल। तो अब इस तरीके से हमारा एक टैक्स जो हमें लग के आया है विजय ट्रेडिंग की कंपनी की तरफ से CGST और SGST, उसका लेज़र भी हम क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लेज़र क्रिएट करेंगे इनपुट CGST टैक्स और ये अंडर में रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के और अंडर में GST। अब ये हमारा CGST यानी कि सेंटर का टैक्स है, अब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन की आपको देने की ज़रूरत नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली ही यहाँ पे पिक करेगा। इसी तरीके से इनपुट हमारा SGST टैक्स भी रहेगा क्योंकि हमारी परचेज है, तो परचेज की कंडीशन में हमारा टैक्स है जो इनपुट रहता है। तो फिर इसी तरीके से ये हमारा जो टोटल है वो जो 30 पैसे राउंड ऑफ रहे हैं, इसकी जो हमारी टोटल इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 230,436 रुपये 30 पैसे आ चुकी है और ये हमारी इस इनवॉइस के अंदर भी इसकी टोटल वैल्यू यही है यानी कि 230,436 रुपये और इसमें जो 30 पैसे है वो राउंड ऑफ किए हुए हैं। तो इस तरीके से हम एंटर, अब हमें पूछेगा वी प्रोवाइड GST ई वे बिल, क्योंकि हमारे 50,000 से की ज़्यादा के ये टैक्सेबल इनवॉइस है तो ई वे बिल बनाना कंपलसरी है, तो ई वे बिल भी डिटेल हमें इस यहाँ पे मिलेगी यानी कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का नाम, उसका व्हीकल का नंबर, उसका स्टेशन कहाँ पे है और इसकी ई वे बिल का नंबर, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो हमें हमारे टेली के अंदर भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। लेकिन मैं यस करेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ डालनी होती है, लेकिन अभी इसको मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ मैं और इसको मैं एंटर प्रेस करते हुए इसको मैं सेव करूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले एक बार हम हमारे स्टॉक पे निगाह करेंगे, तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टेली के होम पेज पे जाके और स्टॉक समरी पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये कंप्यूटर रॉ मटेरियल का जो वैल्यू है वो सारी यहाँ पर आ चुकी है यानी कि 17 पीस 11 पीस जो अभी हमने परचेज का इनवॉइस बनाया था। अब हमें हमारी जो फिनिश गुड्स यानी कि जो रेडी फॉर सेल्स हमारा जो गुड्स रहेगा वो रहेगा डेस्कटॉप पीसी,
तो वो भी एक स्टॉक आइटम है, तो उस स्टॉक आइटम को भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त हमें वो चीज़ें भी देनी पड़ेगी कि एक सिस्टम यानी कि एक डेस्कटॉप बनाने में क्या क्या मटेरियल हमारा लगेगा। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें एक इन्वेंट्री हमें क्रिएट करनी पड़ेगी यानी कि स्टॉक आइटम बनानी पड़ेगी जिस नाम से हम उस गुड्स को सेल करते हैं। अब मान लीजिए हमने एक डेस्कटॉप का जो पीसी है वो किसी एक प्रोडक्ट के नाम से हम सेल करते हैं, मान लीजिए हमने HCL डेस्कटॉप के नाम से वो पीसी हम सेल करते हैं, तो डेस्कटॉप के नाम से बनाया। अब ये हमारा फिनिश गुड्स है, तो इसको यहाँ पे LC करके इसका ग्रुप बनाएंगे, कंप्यूटर फिनिश गुड, और इसको एंटर करके मैं सेव करूँगा, और ये रहेगा हमारा पीसीस में। तो फ्रेंड्स अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अब जब हम फिनिश गुड्स की जब एंट्री करे होते हैं तो हमें एक ऑप्शन यहाँ पे चाहिए होता है बिल ऑफ मटेरियल का। अब हमारी स्क्रीन पे वो बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन हमें शो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना पड़ेगा F12 यानी कि F12, और इसके अंदर बिल्कुल लास्ट वाला जो फंक्शन हमें शो हो रहा है आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, भी इनेबल कॉम्पोनेंट्स लिस्ट डिटेल इन बिल ऑफ मटेरियल, ये आपका यस रहना कंपलसरी है। तो मैं इसको यस करूँगा, तो जैसे यस करूँगा तो ये ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा सेट कॉम्पोनेंट्स, यानी कि आप ये जो HCL डेस्कटॉप बना रहे हो इसके अंदर आप जो कॉम्पोनेंट्स आपके जो लगेंगे यानी कि रॉ मटेरियल जो आपका लगेगा उसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। इसको मैं यस करूँगा तो यहाँ पर हमें पूछेगा बिल ऑफ मटेरियल क्या चाहते, मतलब आप कौन सी चीज़ तैयार कर रहे हो या क्या चीज़ आप बना रहे हो। तो हम यहाँ पे करेंगे डेस्कटॉप कंप्यूटर, एंटर प्रेस करेंगे, तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर हमें यहाँ पे केवल एक यूनिट का जो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, यानी कि हम अगर एक पीस तैयार करेंगे तो क्या क्या सामान हमारा इसमें लगेगा। तो हमें पता है अभी कैबिनेट हमारा एक लगेगा, मदरबोर्ड भी हमारा एक लगेगा, HP रैम है जो हमारी वो भी एक लगेगी, और प्रोसेसर है वो भी एक लगेगा, LG DVD राइटर है वो भी एक लगेगा, पावर सप्लाई भी एक लगेगी, और हार्ड डिस्क है वो भी एक लगेगी। यानी कि हमने यहाँ पे केवल एक PC का इसको सेट किया है अभी तक। अब कितने PC हमें जनरेट करने यानी कि कितने PC हमें बनाने हैं वो हमारी बाद की प्रक्रिया है। तो इसको मैं एंटर प्रेस करके सेव करूँगा, और इस पर जो प्रोडक्ट पर जो लगने वाला है ये हमारा फिनिश गुड है, तो इसका जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो फिनिश गुड्स रहेगा, और इसका जो भी HSN कोड रहेगा वो HSN कोड यहाँ पे लिखेंगे, और टैक्स लाइबिलिटी में ये टैक्सेबल प्रोडक्ट है और इस पर भी 18% का टैक्स लगेगा यानी कि सेल पे, और एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से हमारी जो प्रोडक्ट हम करेंगे वो आइटम भी हमने क्रिएट कर लिया है। अब हमें वो आइटम जनरेट कैसे करें, अगर हम स्टॉक आइटम पर अभी जाके देखेंगे तो हमें जो स्टॉक अभी जो हमने बनाया है फिनिश गुड वो हमें यहाँ पर शो नहीं होएगा क्योंकि वो अभी तक हमने जनरेट ही नहीं किया है। तो अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें एक वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग का। तो वाउचर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम अकाउंट इन्फो पे जाएंगे, और उसके बाद में वाउचर टाइप पे, और हम वाउचर टाइप में क्रिएट करेंगे। अब हम क्रिएट क्या करेंगे, हम किस चीज़ का हमारा जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है उसी संबंधित हम वाउचर हम क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर मैन्युफैक्चर, और ये अंडर में रहेगा सेलेक्ट टाइप वाउचर भी, किस टाइप के अंडर में रहेगा, ये रहेगा स्टॉक जनरल। अब ये स्टॉक जनरल के अंडर में हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो फिनिश गुड है वो भी एक हमारा स्टॉक है, और इसके अंदर जो लगने वाला जो रॉ मटेरियल वो भी हमारा एक स्टॉक है, तो यानी कि एक स्टॉक को दूसरे स्टॉक के अंदर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इसलिए इसको मैं स्टॉक जनरल में रखूँगा। तो जैसे स्टॉक जनरल में इसको मैं रखूँगा तो हमें एक ऑप्शन पूछेगा यूज़ ए मैन्युफैक्चरिंग जनरल, भी आपने जो ये वाउचर क्रिएट किया है वो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के पर्पज से बनाया गया, तो बिल्कुल इसको मैं यस करूँगा और इसको एंटर करके एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरीके से वो वाउचर हमारा क्रिएट हो चुका है। अब उस वाउचर की एंट्री करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम हमारे अकाउंटिंग वाउचर पर आएंगे और यहाँ पर हमें प्रेस करना पड़ेगा Alt के साथ F7। जैसे हम Alt F7 करेंगे तो जो हमने वाउचर क्रिएट किया था कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का वो ऑप्शन यहाँ पर आएगा, और जैसे हम इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें पूछेगा नेम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि आप क्या चीज़ बना रहे हो। तो हमारा जो फिनिश गुड था वो HCL डेस्कटॉप था, तो इसके आगे अभी भी कोई स्टॉक हमें शो नहीं हो रहा। तो अब यहाँ पे हमें पूछेगा क्वांटिटी कितने पीस आप बना रहे हो, हमने ये कह दिया मीन्स 8 पीस हम जनरेट कर रहे हैं। जैसे हम 8 पीस पर इंटर प्रेस करेंगे तो जो प्रोडक्ट 8 में 1 लगना था सभी चीज़ें 8 में 8 के हिसाब से ये ऑटोमेटिक ही पिक कर लेगा इस आइटमों को,
क्योंकि हमने इसमें पर आइट एक एसक्यूएल डेस्कटॉप में एक आइटम बनाते वक्त क्या क्या सामान हमें लगेगा वो हमने ऑलरेडी इस पर सेट करके रखा हुआ है। तो इस तरीके से एक पे एक लगेगा तो 8 है, तो हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिक ये 8 की जो क्वांटिटी है जो सभी में ऑटोमेटिक ही उठा लेगा। और ये जो रेट इसने उठाया है वो हमारी परचेज इनवॉइस जो हमने एंट्री करी है उसी हिसाब से इसने एंट्री करी है। अगर आप इसी में मैनुअल रूप से अगर किसी का प्राइस अगर हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं। और इस इंटर इंटरप्रेस करते हैं हम इसको, नेक्स्ट पार्ट में आएंगे। और यहाँ पर जो लिखा नेम ऑफ आइटम ये स्क्रैप की कंडीशन में रहता है। स्क्रैप किस कंडीशन में, अब मान लीजिए हमारा तो यहाँ पे जो पीस टू पीस इसके अंदर प्रोडक्ट लग रहा है। अब कुछ ऐसे भी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट होते हैं जहाँ पे कुछ सामान हमारा बच जाता है। जैसे हमने एक फर्नीचर है और फर्नीचर में हमने एक टेबल बनाया है, तो टेबल में जो हमारा स्क्रैप कुछ बच जाती है, जैसे कोई हार्डबोर्ड है उसका कोई पार्ट बच गया, या इसके अंदर जैसे कोई भी जो उसको चिपकाने वाला फेविकोल है वो उसके अंदर थोड़ा बहुत बच जाता है, तो जो हमारी स्क्रैप रहती है वो यहाँ पे एंट्री करनी होती है। तो उसका भी वाउचर मैं एक अलग से आपको क्रिएट करके बताऊंगा आपको मैं। और यहाँ पर अगर हमें अलग से कोई कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट अगर इसके ऊपर कोई लेबर अगर हमें एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है तो वो एंट्री में इसकी एंट्री भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट यानी कि टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, यानी कि जो आपका सामान लग रहा है उसके अलावा अगर कोई कॉस्ट आ रही है सामान बनाने में तो उसकी एंट्री हम यहाँ कर सकते हैं। अगर आप करना चाहो तो जैसे मान लीजिए कॉस्ट का मतलब जैसे एक कंप्यूटर जिस इंजीनियर से आपने बनवाया है उस इंजीनियर ये बोल दिया भी मैं पर पीस के 500 रुपये बुनवाई कर लूँगा मैं, तो आप उसकी जो इंस्टॉलेशन चार्जेज है वो भी आप यहाँ पे एक्सपेंसेस बना सकते हो। तो मैं एक इंस्टॉलेशन चार्जेज के नाम से एक लेज़र क्रिएट कर रहा हूँ मैं, इंस्टॉलेशन चार्जेज। तो ये हमारे लिए खर्चा है तो हम इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखेंगे क्योंकि ये सीधा हमारी डायरेक्ट कॉस्ट को प्रभावित करेगा। तो GST हम इस पर लगा नहीं रहे हैं तो इसको मैं नोटेबल केबल रखूंगा। अब मान लीजिए एक इसने 500 रुपये पर पीस के हिसाब से लिया है तो हमारे जो सिस्टम तैयार हुए वो 8 हुए हैं, तो टोटल जो हमारी कॉस्ट है वो 4000 रुपये हमारा खर्चा रहने वाला है। तो जैसे हम 4000 की एंट्री करेंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा एलोकेशन प्राइमर आइटम और यहाँ पर जो 15,835 रुपये पर पीस के हिसाब से हमारा खर्चा आ रहा है। इसके अंदर हमारी 500 रुपये जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है जो हमें इंजीनियर को देना है वो, और प्लस इसके ऊपर जो सामान लगा हुआ है, दोनों को मिला के 15,835 रुपये पर पीस, ये इसकी हमारी एक कंप्यूटर यानी कि एक डेस्कटॉप की कॉस्ट आ रही है। और हम इसको एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करूँगा। अब हम स्टॉक पर देखें तो स्टॉक समरी में हम जाएंगे, तो स्टॉक समरी में जाके देखेंगे तो अब कंप्यूटर फिनिश गुड्स का लेजर भी हमारे सामने आ चुका है SCL डेस्कटॉप का, और इसमें 8 पीस भी ये जनरेट हो चुके हैं। और जो दूसरे जो प्रोडक्ट थे उनके सभी की जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली लेस हो जाएगी। जैसे हम इस इंटर मार के देखते हैं तो हमने 12 पीस इसको परचेज किया था और 8 पीस जो हमने जनरेट किए हैं तो 8 इसमें से जनरेट हो चुका है रैम हमारी। तो अब जो स्टॉक में हमारे पास है 4 का क्लोजिंग स्टॉक इसमें बचा हुआ है। तो इस तरीके से हमें हमारी जो क्लोजिंग स्टॉक की जो समरी है इसके अंदर एसटील डस्टर के 8 पीस और बाकी का जो लेस होके यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखा देगा। अब हमें जो SCL डेस्कटॉप हमने तैयार किया है उसकी सेल्स एंट्री भी हम एक करके देखेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर पे जाएंगे, अब हमें सेल वाउचर के लिए यहाँ पे F8 इसकी जो शॉर्टकट कमांड होती है हमारी टेली की F8 प्रेस करेंगे और इनवॉइस नंबर हमारा फर्स्ट रहेगा और हम इसको 2 जुलाई के अंदर इसको सेल कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमने किसी कस्टमर को सेल किया है महेश कुमार, तो ये हमारा कस्टमर है तो हम इसको रखेंगे सेंडी डेप्टर्स में और इसको एंटर एंटर प्रेस करते हुए हम इसको ये हमारा अनरजिस्टर्ड रहेगा SCL प्रोडक्ट। अब इसके अंदर जो जितने क्वांटिटी हमें सेल करनी है उसका हम यहाँ पे क्वांटिटी देंगे, हमारी हमें इसको 4 पीस ही सेल करनी है तो यहाँ पर जो रेट आएगा वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस यानी कि विद टैक्स आप 18% की जो GST लगाने के बाद जो इसकी अमाउंट रहेगी वो क्या रहेगी, हमने इसको 23,450 रुपये यानी कि 19,872 रुपये 88 इसकी टैक्सेबल अमाउंट रहेगी। और इसको हम इंटरप्रेस करेंगे तो अब हमारा जो सेल्स का जो लेज़र बनेगा यहाँ पे LCC में सेल्स लेज़र बना रहा हूँ, इसका जो लेज़र बनेगा फिनिश गुड सेल्स GST 18%, तो ये हमारा सेल्स काउंट में रहेगा, सेल्स एप्लीकेबल रहेगी GST, और ये हमारी लोकल की है तो GST डिटेल देने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। और अब हमारा टैक्स रहेगा आउटपुट CGST टैक्स, और ये रहेगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में
जीएसटी और ये सेंटर टैक्स। और इसी तरीके से हमारा आउटपुट है जो एसजीएसटी टैक्स का भी लेजर बनेगा, जीएसटी और स्टेट टैक्स। तो इस तरीके से ये 93,800 रुपये का इनवॉइस बन चुका है। अब हमारी 50,000 की ज़्यादा की इनवॉइस है तो यहाँ पे ईवी बिल के लिए में भी बोलेगा अभी। अब जो ईवी बिल हमारी तरफ से जो जनरेट किया जाएगा वो इसकी डिटेल हमें समरी यहाँ पे डालनी पड़ेगी। तो इसको मैं एक बार स्किप कर रहा हूँ मैं, और इंटर इंटर प्रेस करते हुए इसको मैं सेव करूँगा। तो अब हम एक बार स्टॉक को दोबारा देख लेते हैं। तो जब स्टॉक समरी पर हम जाके इस पर इंटर प्रेस करेंगे और अल्टा में डिटेल के साथ देखूंगा, तो यहाँ पे जो एस सी एल डेस्कटॉप है वो 4 पीस का ही स्टॉक दिखा रहा है। और जब इस पर इंटर प्रेस करूंगा मैं तो 8 पीस हमें जनरेट किए थे और 4 इसमें से हमने सेल कर दिए, तो इससे क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा 4 ही रहेगा। और इस पर इंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर हमने तैयार किया था वो डिटेल हमें यहाँ से हो रहेगी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का, और हमने जो सेल किया है वो यहाँ पे शो होगा। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस कर लें।